हेलो बच्चों, आज हम अध्याय स्थल रूपों का विकास के भाग तीन पे चर्चा करेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मुख्य स्थलाकृतियों पे, नदी के कार्य अपरदनात्मक स्थलाकृतियों पे और नदी के कार्य में ही निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं मुख्य स्थलाकृतियों से। बच्चों, पृथ्वी की सतह को आकार देने में दो बहिर्जनित बल अर्थात टू एक्सटर्नल फोर्सेस का जो है हाथ होता है, या दो बहिर्जनित बल जो है वो इसके लिए उत्तरदायित्व होते हैं। बच्चों, ये बल जो है मुख्यतः अपक्षय, अपरदन, परिवहन एवं विक्षेपण के द्वारा धरातल पे विभिन्न स्थल आकृतियों का निर्माण करते हैं। बच्चों, अगर हम बात करें कि इनके प्रमुख कारण कौन है, तो इन स्थल आकृतियों के निर्माण के प्रमुख कारक हैं नदी, पवन, हिमनदी एवं समुद्री तरंग। और बच्चों, ये कारक जो हैं अपने अपने कार्यों से विभिन्न स्थल आकृतियों का निर्माण करती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करेंगे नदी के कार्य पे। बच्चों, नदी के मुख्यतः दो कार्य होते हैं, या आप कह सके तो नदी द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियां जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। पहला अपरदनात्मक और दूसरा निक्षेपात्मक। बच्चों, अपरदनात्मक स्थलाकृतियां तब होती हैं या तब बनती हैं जब नदियां जो हैं युवावस्था में होती हैं। इस समय नदियां जो हैं पहाड़ी भाग से होकर गुजरती हैं, जिनके कारण उनकी गति जो है वो तेज होती है और इसी कारण से काट छाट की जो क्रिया है वो भी तेजी से होती है। बच्चों, इस अवस्था में निम्नलिखित मुख्य स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जैसे कि वी आकार की घाटी, गार्ज और कैनियन और जलप्रपात। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, हम अपनी चर्चा को नदियों के कार्य में प्रथम कार्य अपरदनात्मक स्थलाकृति पे जारी रखते हैं और अब हम चर्चा करेंगे वी आकार की घाटी। जैसा कि हम पिछले स्लाइड में चर्चा कर चुके हैं कि जब नदियां युवावस्था में होती हैं, तो वो बहुत तेज गति से आगे बढ़ती हैं और अपने आसपास के जगहों को बहुत तेजी से काटती छाटती जाती हैं। तो बच्चों, जब नदियां अपने अगल बगल की चट्टानों को सीधी काटती हैं, तो इस प्रकार एक घाटी का निर्माण होता है जो अंग्रेजी के वी अक्षर जैसा दिखता है, जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं जलप्रपात पे। बच्चों, नदियों का पानी जब ऊंचाई से दूसरी गहरी घाटी में गिरता है तो जलप्रपात का निर्माण होता है। बच्चों, कर्नाटक का जोगो और झारखंड का हुंडरू कुछ ऐसे जलप्रपात हैं जो विश्व विख्यात हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम नदियों के कार्य में अपरदनात्मक स्थलाकृतियों पे चर्चा करते हुए अब हम चर्चा करेंगे गाजर और कैनियन पे। बच्चों, जब नदियां कठोर चट्टानों को सीधा काटती हैं, तो खड़ी ढाल वाली संकरी घाटियां बनती हैं और इन्हें ही हम गाजर कहते हैं। और जब घाटी लगातार अपरदन से चौड़ी हो जाती है तो ये कैनियन का रूप ले लेती है। बच्चों, इसका सबसे सटीक उदाहरण अमेरिका के कोलोरेडो नदी पे बना ग्रांड कैनियन है, जो विश्व का सबसे बड़ा कैनियन है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करेंगे नदी के कार्य में निपेक्षात्मक स्थलाकृतियों पे।
बच्चों, जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि नदियों के द्वारा जो अपरदनात्मक कार्य होते हैं वो उनके युवावस्था में होते हैं, पर नदियों के द्वारा निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों का निर्माण जो होती है वो प्रौढ़ा या वृद्धावस्था में होती है। तो बच्चों, नदियां अपनी प्रौढ़ा या वृद्धावस्था में अपने साथ लाए गए अवसाद को जमा करने का काम करती है और इसके जमा होने से जो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है उसे ही हम निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां कहते हैं और वो निम्नलिखित हैं। पहला है आपका बिसर एवं गोखुर झील और दूसरा है डेल्टा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं तथा इन स्थलाकृतियों पे चर्चा करते हैं। तो बच्चों, हम अपनी चर्चा को जारी रखते हैं और अब हम चर्चा करते हैं बिसर एवं गोखुर झील की, जिसको हम ऑक्सबो लेक भी कहते हैं। बच्चों, मैदानी इलाकों में नदियां जो हैं धीमी गति से बहती हैं, क्योंकि अभी तक वो प्रौढ़ावस्था में आ चुकी होती हैं, इसलिए उनकी गति जो होती है वो धीमी हो जाती है। तो इस समय क्या होता है कि वो अपने किनारों को काटती हैं और किनारों को काटते हुए वो अवसाद जमा करती हैं। तो बच्चों, नदियों का रास्ता इन अवसादों से जो है सर्पीला हो जाता है और इसी सर्पीला आकार को हम बिसर्प कहते हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। और बच्चों, जब कटाव अत्यधिक हो जाता है तो नदियां उससे छोड़कर पुनः जो है सीधी बहने लगती हैं, जिससे कि गोखुर झीलों का निर्माण होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा नदी के कार्य निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों पे जारी रखते हुए अब हम चर्चा करेंगे डेल्टा पे। बच्चों, डेल्टा को जो निर्माण होता है वो नदी के मुहानों के पास होता है। मुहाना वो जगह है जहां नदी जो है समुद्र में जाकर मिलती है। बच्चों, इसकी जो आकृति है वो ग्रीक अक्षर के डेल्टा, जो कि त्रिभुजाकार होती है, उसकी तरह होता है। बच्चों, अगर उदाहरण की बात करें तो भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जिसे सुंदरवन का डेल्टा भी कहा जाता है, ये जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। आप इसको इस चित्र में देख सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम चर्चा करते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने चर्चा की मुख्य स्थलाकृतियों पे और इसके अलावा हमने नदी के कार्य, जो कि दो थे, अपरदनात्मक स्थलाकृति और दूसरा निक्षेपात्मक स्थलाकृति, इन दोनों पे चर्चा की। बच्चों, इनका जो था रेफरेंस वो है भूगोल कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक। और अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे पवन के कार्य पे। इसके अलावा हम हिम नदी के कार्यों पे भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ हम समुद्री तरंग के कार्य पे भी चर्चा करेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।